मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। दोस्तों, मंथन हब ने आपके लिए तैयार किया है मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल कोट्स जो हर दम हर घड़ी आपको कंफर्ट जोन से बाहर करने का काम करेंगे, हर चैलेंज को स्वीकार करने का जज्बा देंगे। चारों तरफ ढेर सारे चैलेंजेस के बावजूद आपको लक्ष्य की ओर कॉन्फिडेंटली बढ़ने का हौसला देंगे। ये मंथन हब कोट्स आपको दिन और रात एक अनोखा इंसान बनने की प्रेरणा देंगे। मंथन हब कोट्स को जीवन में अमल करके हमेशा अपने विल पावर को मजबूती प्रदान करें। इस वीडियो को शेयर करके लाखों लोगों के बीच मंथन हब का संदेश पहुँचने दें। ऊंचा उद्देश्य रखने से बेहतर है उच्चतम उद्देश्य रखें, ताकि आप कम से कम उच्चतर उद्देश्य को हासिल कर सकें। सेक्सुअल प्लेजर के लिए जब आप रजवीर की शक्ति को काम में लेते हैं तो कुछ समय के लिए अनियंत्रित महसूस करते हैं। जरा कल्पना करें, आप कितना अधिक अपने मूल्यवान जीवन को नियंत्रित कर पाएंगे जब आप सेक्सुअल एनर्जी को ऊर्ध्वगामी कर पाएंगे। सेक्सुअल स्ट्रेंथ बायोलॉजिकल कार्य क्षमता को बना के रखने के लिए जरूरी है। विवेक के साथ इसका उपयोग करें, जैसे जानवर ऋतु के अनुसार करते हैं। अगर आप विवेक के साथ सेक्सुअल स्ट्रेंथ का उपयोग करते हैं तो आपकी शारीरिक और मानसिक आंतरिक शक्ति बनी रहेगी। प्रकृति के उपहार का सम्मान और उसकी सुरक्षा करें, जैसे जानवर बिना कोई ज्ञान भी कर लेते हैं। दिन में 10 बार अपने लक्ष्य को याद करें। लक्ष्य के दृढ़ विचार को अवचेतन मन में पहुंचने दें। लक्ष्य को बार बार याद करना भी वास्तविक और सच्चाई भरा कदम है जो बड़े लक्ष्य की तरफ ले चलता है। अगर आप ये मानते हैं कि सेक्स मनुष्य के सुख के लिए आवश्यक और आधार है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल मनुष्य के स्वास्थ्य और आयु का खुराक और भोजनशाला है। अंदर से शुद्ध और बाहर से कार्यशील होने के लिए सबका जन्म हुआ है। इच्छा और लोभ बाहर के कूड़े हैं। अपने दिल को उम्मीद के साथ लगातार प्रयास करते हुए साफ करते रहें। आप कभी दूषित नहीं हो सकते, इस बात को हमेशा याद रखें। दुनिया में वरदान और अभिशाप जैसा कुछ भी नहीं है। आपके काम और व्यवहार से ये निर्णय हो जाता है कि आप अभिशाप के लिए हकदार हैं या वरदान के। इसलिए अपने कर्म और वचन को बुद्धि के साथ प्रयोग करें। जब तक आप ऊपर उठते हुए कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर उठने का मूल्य निरर्थक है। आप ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, इसलिए गिरते भी हैं। ऊपर उठने में लगातार प्रयास से आपकी काबिलियत बढ़ती है। जब आप पूरी तरह काबिल होते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं। आप सफलता के लिए नहीं बने हैं, बल्कि सफलता आपके लिए बनी है। आप सफलता के पीछे नहीं भागें, बल्कि सफलता को आपके पीछे भागने दें। ये सोच सफलता के मार्ग में टॉनिक की तरह काम करती है। आपकी सोच, कर्म और व्यवहार बताता है कि आप कितने महान हो। आपकी महानता एक अनोखा संदेश देता है कि आप जिसका अनुसरण करते हैं वो महान से भी महान है। अपने कर्मों से अपने आप को साबित करें, न कि शब्दों से। जीवन में हमेशा मदद के लिए रोते रहना, भागते रहना कायरता है, बल्कि जितना आप सीख चुके हैं उसे जल्दी अमल करना सच्चा पुरुषार्थ और साहस है। मदद मांगने से पहले मन की कमियों को पहले दूर करें और फिर देखें आप अपने मार्ग में तेजी से विकास कर रहे हैं। चरित्र आपके जीवन का सर्वोत्तम ढांचा है। ये बताता है कि आपका जीवन स्तंभ कितना मजबूत है। चरित्र बताता है कि कब तक आप संघर्ष कर सकते हैं। चरित्र बताता है कि आप कितना धीरज धर सकते हैं। चरित्र बताता है कि आप अपनी खुशियों को कितना संभाल सकते हैं।
आप अपनी गाड़ी में ईंधन डालते हैं और उसका मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये आपके आने जाने का माध्यम है। उसी तरह आप सही समय पर सही भोजन करके शरीर को मेंटेन करें, क्योंकि ये आपकी भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा का माध्यम है। अगर आपके पास अच्छा विचार है तो उसे लागू करने में देर न करें। ये दुनिया विचारों से भरी हुई है, कहीं आपसे पहले कोई और उसे लागू कर दे और आप देखते रह जाएं। उससे पहले आप खुद अपने अच्छे विचारों को तुरंत लागू कर दें। अंतःकरण एक बायोलॉजिकल अलार्म है जिसको कुदरत ने तैयार किया है। यही अलार्म आपको जगाता है और सही समय पर सही एक्शन लेने को प्रेरित करता है। अंतःकरण में निस्वार्थ भाव होने से चुंबकीय शक्ति पैदा होती है जो सबको आकर्षित करती है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे।